आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी से मैं सैयद अफरोज। आइए नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। श्री सीवी आनंद, आईपीएस कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद सिटी ने आज नुमाइश मैदान में हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस स्टॉल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एआर श्रीनिवास, आईपीएस एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम्स एंड एसआईटी हैदराबाद, एवी रंगनाथन आईपीएस, श्री जी सुधीर आईपीएस एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक हैदराबाद और नुमाइश सोसाइटी के नुमाइंदे भी मौजूद थे। का में जो हमारा ट्रैफिक और साइबर क्राइम वुमेन सेफ्टी का स्टॉल लगता है हर साल, उसको इनॉग्रेट करने के लिए मैं आया हूँ। मेरे ऑफिसर्स और एग्जीबिशन सोसाइटी के सेक्रेटरी साहब, वाइस प्रेसिडेंट, मेंबर, सभी मेम्बरान यहाँ पर हाजिर हैं। बच्चे भी आए थे, उनको ट्रैफिक का स्टॉल उनको उनके ज़रिए पूरा दिखाया है और ट्रैफिक रूल्स के बारे में। यहाँ पे जो 1 लाख से ज़्यादा हमारे स्टॉल में विज़िट करने वाले हैं, सबको ट्रैफिक रूल्स के बारे में आने वाले 1 महीने में बताने वाले हैं। हम सबको पता है कि नुमाइश क्या है। हैदराबाद के शहरी जो हैं उन सबको इसके बारे में जानकारी है। ये अपने शहर के तारीख और तहजीब और फिज़ा से ताल्लुकात रखता है। 1938 में निज़ाम उस्मान अली साहब के ज़माने में इसको एग्जीबिशन सोसाइटी, मतलब उस्मानिया यूनिवर्सिटी के थोड़े स्टूडेंट्स पब्लिक गार्डन में इसको शुरू किया था। जब 100 स्टॉल्स रहते थे, बाद में इसको यहाँ पर शिफ्ट किया गया एग्जीबिशन ये ग्राउंड्स पे, और यहाँ पर एग्जीबिशन सोसाइटी के मेम्बरान बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके ज़रिए काफ़ी एजुकेशन के प्रोग्राम्स, काफ़ी कॉलेजेस बहुत चलते हैं, और जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो नए अच्छे काम करने वाले हैं, उन सबको यहाँ पर इनक्रेजमेंट और फाइनेंस दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देश भर से हमारे मुल्क में जितने भी जो बेचना चाहते हैं, अपने कपड़े हो या जो भी बनाते हैं, वो सब बेचने के लिए सब लोग इसका इंतज़ार करते हैं कि नुमाइश कब हैदराबाद में शुरू होगा। हम जाकर साल भर का जो सामान की बेचना है वो सब उसका लेकर आते हैं और यहाँ पर ये स्टॉल्स में लगकर बेचते हैं। 45 दिन ये चलता है और इसका पुलिस की तरफ से जो भी इंतजाम हमको करना है, हम किए हैं। तो जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में, इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाज़त।